अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदय जी का प्रणाम नमन। मित्रों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका अपने घर में जाने का मन नहीं करता, घर में जाते ही घुटन सी महसूस होती है, घर में जाते ही परिवार के किसी सदस्य से अनचाहे झगड़ा हो जाता है, मतभेद बने रहते हों, कुछ भी नहीं होता लेकिन सामने वाला कुछ कहता है और हम उसका विरोध कर देते हैं बिना वजह, बिना कुछ कारण अपने मन में सोचे, समझे? जैसे समझो, आपके फादर ने कुछ कहा, आपकी सिस्टर ने कुछ कहा, आपके पति ने कुछ कहा, आपकी पत्नी ने, घर के किसी रिलेटिव ने घर के अंदर कोई प्रस्ताव रखा, कोई बात रखी और आपने बिना सोचे समझे ना नहीं ऐसा निकल जाता है मुंह से। आपके साथ ऐसा हो रहा हो या आपकी बात पे रिलेटिव ऐसा कर रहे हो, जो बात बात पे जहां सदस्यों की एक दूसरे के साथ बनती ही नहीं है, झगड़ा भी नहीं है लेकिन एक दूसरे के मत से कोई सहमति नहीं है, घर के अंदर जाने में डर लगता है कि अभी कोई किचकिच हो जाएगी, अभी कुछ झगड़ा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा घुटन से महसूस होती है, घर में जाने का मन नहीं करता, एक अजीब सी बेचैनी छाने लगती है। अगर ऐसा आपके साथ है तो दो संकेत बताता हूं, देखिएगा यही चल रहा होगा घर में। पहला, घर की उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, कॉर्नर भी नहीं, वो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र जो पूरा है, उत्तर और पूर्व का क्षेत्र जो है, नॉर्थ ईस्ट का पूरा जो एरिया है, ईशान कोण वाला जो एरिया, ईशान क्षेत्र जो है, उसमें गंदगी होगी, उसमें कुछ कबाड़ या उसमें कुछ ऐसा सामान या बिखरा हुआ सामान पड़ा होगा, जरूर गंदगी होगी, जरूर उसको ठीक कीजिए, उसकी सफाई कीजिए वहां से। ये कोना, ये क्षेत्र अपने घर का हमेशा साफ शुद्ध रहना चाहिए, पानी के आसपास होना चाहिए, पानी से उसको धोइए, साफ कीजिए, चकाचक रखिए। दूसरा, आपकी छत के ऊपर किसी प्रकार का लोहा, लकड़ी, कबाड़, कोई पुराना प्लास्टिक का सामान या ऐसी चीजें जो अनयूज्ड हो, जो जिनका अनयूजेबल हो, जिनका कोई यूज नहीं हो लेकिन हमने भविष्य के लिए बचा के रख रखी है कि कभी काम आ जाएगा, काम कभी नहीं आता। मैंने देखा है ऐसा कि 10-10 साल से लोगों के छतों के ऊपर ऐसा कबाड़ रखा हुआ है, या अपने सर के ऊपर, छत के ऊपर हो या सर के ऊपर कोई ऐसा 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 अलमारी बनी हुई हो, पत्थरों की अलमारी जिसके अंदर इस तरह का सामान ठूस रखा हो, छत के ऊपर, सीढ़ियों के ऊपर, सीढ़ियों के बीच में, बीच वाली जगह पे ऐसा कुछ, जो हमारे सर के ऊपर इस तरह से कुछ कबाड़ रखा हो जो कभी यूज ही नहीं होता, पुराना लोहा, पुराना लकड़ी, पुराना कबाड़, पुराना प्लास्टिक, खराब हो रहा हो धीरे धीरे लेकिन हमने बचा के रख रखा है उसे, छत के ऊपर भी हो सकता है, सर के ऊपर कहीं भी हो सकता है, उसको या तो यूज करना शुरू कीजिए, किसी भी तरीके से उसका यूज कीजिए, नहीं कर सकते हो सीधी सीधी भाषा में उसे घर से बाहर फेंक दीजिए, किसी को बेच दीजिए, उसका कुछ कीजिए। छत और ईशान कोण बिल्कुल साफ स्वच्छ रहने चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप जितना खाना घर में बनता है उसको शांति से खा सकें बिना कलह क्लेश के, तो प्लीज इतना कीजिए, नहीं तो आपकी रसोई में जो खाना बनता है आप उसको कभी भी शांति और सुकून के साथ खा नहीं पाएंगे। छोटा सा टिप था, याद आ गया तो बैठे बैठे वीडियो बना दिया। छोटी छोटी चीजें हैं लाइफ में। मेरा अप्रोच ये है कि डूज से ज्यादा मैं डोंट्स पे ज्यादा मेरा अप्रोच रहती है, कि क्या करना चाहिए वो तो सब ज्योतिषी बता रहे हैं, मैं वो बताता हूँ जो क्या नहीं करना चाहिए, ताकि कोई अलग से उपाय करने की आवश्यकता नहीं, इन चीज़ों का आप ख्याल रख लेंगे तब भी आपके घर में शांति सुकून हो जाएगा। बाकी कुछ बड़े मैटर्स के लिए तो बड़ी चीज़ें करनी होती हैं, वो एक अलग बात है। चलिए, इसी के साथ, बात अच्छी लगी हो, आपसे रिलेट कर गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदय आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।